नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएलसी टैग में। पीएलसी टैग के अंदर हम सीखते हैं प्रोग्रामिंग, सीएनसी और वीएमसी प्रोग्रामिंग हिंदी में बहुत ही आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वह क्या है। उस आगे चलने से पहले हमारे जो नए व्यूअर्स हैं या जो जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उन्होंने अभी तक अगर हमारा चैनल पीएलसी टैग सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह रेड वाला स्विच दबाकर आप सब्सक्राइब हो जाइए और ये जो बेल का आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का इंटीमेशन मिलता रहे सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम प्रोग्राम बनाते हैं मैनुअली, तो उसी प्रोग्राम को हम फीचर कैम या पावर मिल से ही बना सकते हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वह है कि फीचर कैम से हम टर्निंग का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो उसके अंदर जो आज हम सीखेंगे वह होगा कि हम एक प्रोफाइल बनाएंगे और उसका प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उसके एनसी कोड कैसे निकालते हैं वह भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं फीचर कैम का यूज करते हुए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में यह है फीचर कैम ऑटोडेस्क का, ये बनाया हुआ है। तो ऑटोडेस्क ने इसको फीचर कैम को डेवलप किया हुआ है, तो इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं। ये जो हमारे पास में है फीचर कैम 2017 है, तो इसी में हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसको देख लेते हैं ओपन करने के लिए कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर ये न्यू फाइल, इसको आप नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि हमें टर्निंग का प्रोग्राम बनाना है तो हम टर्निंग पर क्लिक करेंगे। इसमें दो तरह की टर्निंग है, एक वर्टिकल टर्निंग और एक हॉरिजॉन्टल टर्निंग। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल टर्निंग में प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम मिलिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, EDM का भी, और मल्टीपल फिक्स्चर्स, टॉम स्टॉम फिक्स्चर्स, सिमुलेशन मशीन डिजाइन, स्विच टर्निंग। तो हम इसमें कई तरह की मशीनों का प्रोग्राम बना सकते हैं, बट आज हम इसमें जो सीखेंगे वह केवल सीखेंगे टर्निंग मशीन पर प्रोग्राम, टर्निंग मशीन के लिए प्रोग्राम बनाना। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इंच और मिलीमीटर, इसमें से भी आप जिसके अकॉर्डिंग आपको डायमेंशंस मिली है उसी के अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इंडिया में क्या है, मोस्टली मिलीमीटर्स का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर मिलीमीटर का चूज करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये जो हमारा डेस्कटॉप पर जो फीचर कैम ओपन होगा वह इस तरह का होगा। इसमें जो ये हमारे टूल्स दिए हुए हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाई है बेसिक्स, उसके लिए उसमें हमने सारे जो टूल्स हैं वह कैसे यूज होते हैं, कौन सा टूल क्या काम करता है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है फीचर कैम बेसिक के बारे में, बेसिक वह आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमें टर्निंग में प्रोग्राम बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा जो जॉब है वह उसकी लेंथ कितनी है, मींस ये एंड उसका फेस से एंड तक कितनी लेंथ है। तो जैसे कि हम यहाँ देखा 50 दिया हुआ है, पर आप इसमें अपने जॉब के अकॉर्डिंग जितनी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 160 लिया है और जो ये डायल लिया है उसको हमने लिया है 120, क्योंकि इसमें आईडी हमारा कोई होलो नहीं है तो इसको मैं 0 रखूंगा। आप इसको राउंड में लेना है क्योंकि हमें टर्निंग राउंड ब्लॉक पे करना है, तो हमने इसको राउंड सेलेक्ट किया हुआ। हम यहाँ पर ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट हमें क्योंकि टर्निंग करना है राउंड जॉब पर, तो हम यहाँ पर राउंड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट, यहाँ पर हम
सेलेक्ट करेंगे कि किस मटेरियल का वह जॉब है। तो यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है वह एल्यूमिनियम कास्ट का लिया हुआ है, बट आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं कि वह ब्रास, ब्रॉन्ज, कार्बाइड, कास्ट स्टील, जो भी आपको जॉब लगता, जो जिस भी मटेरियल का आपका जॉब है उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जॉब दिए मटेरियल दिए हुए हैं, जिरकोनियम लास्ट मटेरियल दिया हुआ है इसमें, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हमें उसमें देना होता है कि उस पर कटिंग फोर्स कितना रहेगा या हार्डनेस उसकी कितनी है, जैसे कि मैं उसको दे देता हूँ 75 है, और ये हार्डनेस है किसमें, ब्रिनेल में है, रॉकवेल में है, रॉकवेल सी में है, जिसमें भी आप चाहो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको रॉकवेल बी में इसको दिया के बाद हमें नेक्स्ट। अब ये पूछता है कि इसमें जो मशीन की आपकी पोजिशन है वह फोर्थ एक्सिस पोजिशन में दोगे या नहीं, तो मैंने इसको भी मना किया क्योंकि मुझे केवल जो मशीन है मेरी उसमें दो ही एक्सिस है। तो यहाँ पर ये पूछता है कि ये जो डिटेल है आप ये एंटर कीजिए, अगर आपको इसमें चेंज नहीं करना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है चेंज नहीं करने की भी, तो इसमें आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपसे ये पूछता है कि कौन सा मेथड है जिससे आप इसको प्रोग्राम को जीरो लोकेशन पर सेट करना है, तो हमने बताया कि अलाइन टू स्टॉक फेस, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये पूछता है कि आप सेटअप वन का जो जीरो प्रोग्राम है कहाँ से बनाना चाहोगे, आप इस पर क्लिक करके इसको लोकेशन दे सकते हैं या फिर आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी वहीं पर उसी लोकेशन में जाएगा। नेक्स्ट, अब ये पूछता है कि जेड का ऑफसेट आप कितने पर रखना चाहते हैं, जीरो में या प्लस में या माइनस में, कहाँ पे आप इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो प्रोग्राम बनाया जाता है जेड का ऑफसेट जीरो मानकर माइनस में बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम भी जीरो इसको रखेंगे। अब ये इसमें देता है कि ये सिंगल स्पिंडल वाली मशीन है या डबल स्पिंडल वाली मशीन है, डबल स्पिंडल वाली में आप सब स्पिंडल को पर बनाना चाहते हो या मेन स्पिंडल पर, तो क्योंकि हमने जो मशीन का सिलेक्शन किया है वह कि हमारी सिंगल स्पिंडल वाली मशीन रहेगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मेन स्पिंडल को सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट, अब ये पूछता है कि जेड में जो है आपके जॉब जहाँ पर ये क्लैंप हुआ है जॉज में या आपके चक में, तो वहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, तो हमने इसको दिया हुआ है कि -25 mm तक पर जाकर यह क्लैंप है, उसके बाद फिनिश कर दीजिए, ओके। और इसके बाद यहाँ पर भी ये आप देखिए कि जो हमने इसको स्टार्टिंग में जो डायमेंशन दी थी वह यह दिखा रहा है, तो इसको ओके कीजिए और आपके सामने यह एक स्टॉक बनकर सामने आ जाएगा। इसमें आप एक प्रोफाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं या प्रोफाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, तो आज हम जो सीखेंगे वह क्रिएट करके सीखेंगे। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ ज्योमेट्री से उठा सकते हैं, लाइन, सर्किल, फिलेट, आर्क, रेडियस वगैरह बनाने के लिए, डायमेंशन देने के लिए, या फिर आप यहाँ पर ये जो टूल है यहाँ से भी ये सब चीज़ें उठा सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो कनेक्टेड वाली लाइन लूँगा और यहाँ पर ये दिखाएगा कि मेरे किस डायमेंशन पर इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको डालूँगा 110 के डाया पर है। मैं एक प्रोफाइल बना देता हूँ इस तरह से, तो ये मैंने एक प्रोफाइल बना दी है। अब इसमें हम चैनिंग करेंगे इसकी, तो चैनिंग करने के लिए हम जाएंगे कर्व में, और ये जो सेकंड वाला जो क्लिक है इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाला जो है इसमें चैन पीस जो लिखा हुआ है, और स्टार्ट करेंगे जहां से हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। इस तरह से, तो ये हमारे जॉब का चैनिंग हो चुका है।
अब इसके बाद हम जाएंगे फीचर्स में, और फीचर में क्योंकि हमारा राउंड जॉब है तो हम टर्न करेंगे इसको नेक्स्ट। कर्व इसमें सेलेक्ट हो चुका है पहले ही एक नंबर जो कि हमने बनाया हुआ है, अगर यहाँ पर नहीं आता है तो हमें इसको सेलेक्ट करना होता है इसको लेकर, बट क्योंकि ये पहले ही आ चुका है तो हम जाएंगे नेक्स्ट। अब देखो ये यहाँ पर इसने जॉब को राउंड बना दिया है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट टर्न। यहाँ पर जो रहेगा वह साइकिल टर्निंग की रहेगी, टूल पाथ जो रहेगा वह टर्निंग रहेगा। हम इसका रफ पाथ बना रहे हैं और फिनिश पाथ, तो दोनों पर क्लिक होना चाहिए। अगर हम इसको हटा देंगे तो यह रफ पाथ बनाएगा केवल, अगर हमें फिनिश भी चाहिए तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी हमसे पूछता है कि टूल कौन सा टूल यूज करना है आपको। मैंने यहाँ पर किया है यूज डिफॉल्ट, अगर आपको अलग टूल सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट करूँगा तो ये आपको टूल दिखाएगा कि आपको कौन सा टूल इसमें से लेना है, आप ले सकते हैं। इसमें ये डायरेक्शन वाला डायरेक्शन दिखाता है, फिर उसके अंदर दिखाएगा कि कौन से एंगल वाला कौन सा आपको इंसर्ट यूज करना है। फिर उसमें आप अगर टूल के अकॉर्डिंग इसमें दिखाता है कि कौन सा आपको प्रेजेंटेशन एंगल लेना है, तो यहाँ पर हमने जो लिया था वह हम लेंगे 80 डिग्री वाला, और ये वाला टूल ले सकते हैं या ये वाला टूल ले सकते हैं क्योंकि हम टर्निंग करना है तो हमारे लिए बेस्ट ये टूल रहेगा, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है। या आप इस ये सब ना करके अगर इसी को ही चूज करोगे तो यहाँ से फिर सीधा मशीन यहाँ पर आ जाएगी, और ये अपने इस मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हमने मटेरियल चूज किया था उसी के अकॉर्डिंग सरफेस स्पीड, मैक्सिमम स्पीड या अप्रोच स्पीड लेगी। अगर आप इसको चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, फीड रेट या एंगेज फीड या विड्रॉल फीड जो भी आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट, यहाँ पर एक्टिव कूलेंट्स, आपको कूलेंट चलाना है या नहीं चलाना है तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको मिस्ट यूज करनी है या कूलेंट 3 नंबर 4 नंबर जो यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं आपके मशीन के अकॉर्डिंग या जॉब के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फिर से दोबारा हमें वही दिखाता है, तो हम यहाँ पर फिनिश कर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये फिनिश इससे पहले जो था रफ के लिए दिखा रहा था, अब ये फिनिश के लिए दिखाया है, तो अब ये रफ और फिनिश दोनों के लिए पास रेडी है, तो इसको हम करेंगे फिनिश। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फ्लेट रेडियस वगैरह आपको कुछ देना है तो दे सकते हैं यहाँ से, बट क्योंकि हमने उसको नहीं दिया हो तो हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम जाएंगे इसमें 2D सिमुलेशन या 3D सिमुलेशन, आपको जिसमें भी आपको सिमुलेशन देखना है उसमें देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एक सिमुलेटर स्टॉप और प्ले, आप अगर इस पर प्ले करेंगे तो ये पूछता है कि आपको ऑपरेशन विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू ए सेलेक्टेड सेट ऑफ रूल्स, तो क्या आप इसको करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि जॉब पर टूल आया और उसने उसको टर्न किया है, तो इसकी स्पीड को हम कम करके यहाँ से देख सकते हैं, इसमें दिखा हुआ है सेम स्पीड कम, तो आप इसको बैक करेंगे, स्टॉप करेंगे और बैक स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ये आपके प्रोग्राम बनकर रेडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ पास और फिनिश पास दोनों दिए हुए हैं, तो आपको जो भी चाहिए उसके आप ले सकते हैं। अगर आपको इससे भी स्लो करना है तो आप क्या करेंगे, इसको और स्लो कर देंगे, यहाँ पर जितना आप इसको कम करेंगे ये फीड क्या है यहाँ पे दिखाएगा, जब आप इस पर जॉब लाइक कर रहोगे तो दिखा रहा है सेम स्पीड कि आप इसको स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये टूल की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। अगर आप इसको फास्ट करेंगे तो क्या होगा, आप देखो ये बहुत ही इतना जल्दी फास्ट टर्न कर देगा कि आपको पता ही चलेगा कि टूल कब आया और कब गया। तो हम इसको देखेंगे मिनिमम स्पीड पर करके,
ये देखिए कैसे ये टूल इसकी टर्निंग करता है। तो अभी आज हमने जो सीखा है, सिंपल एक प्रोफाइल बनाई थी उस पर हमने टर्न किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक जॉब लेंगे जिसमें फिलेट और रेडियस वगैरह का यूज करेंगे, उसमें उससे जॉब बनाएंगे, उस पर फिर टर्निंग सीखेंगे। और उसके बाद हम फेसिंग और बोरिंग और पार्टिंग भी यहीं से सीखेंगे। तो अभी हम सीख लेते हैं इस जॉब का, अगर हमें एनसी कोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला एक यहाँ से एनसी कोड को यूज करते हैं और यहाँ पर ये गो एनसी प्रोग्राम लिखा हुआ आता है, तो इस पर ओके करेंगे तो ये देखिए आप, इधर ये एनसी प्रोग्राम निकल जाएगा जिसमें सब कोड दिए हुए हैं। आप इसको यहाँ से उठाएंगे और मशीन में डालेंगे तो आप प्रोग्राम को चला सकते हैं। दूसरा, अगर ये इस कंडीशन में रहता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल्स में ये बताता है कि इसमें हमारा टर्निंग, रफ और फिनिश दोनों है, इसमें कौन कौन सा टूल यूज हुआ है और इसका टाइम कितना लगा है। इसमें दिखाया है कि रफ के लिए 1 मिनट 50 सेकंड है और फिनिश के लिए 1 मिनट 50 सेकंड और फिनिश के लिए 43 सेकंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनसी कोड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे एनसी कोड प्रोग्राम के खुल जाएंगे। तो यहाँ से आप इनको उठा सकते हैं, आप इसको चाहो तो सेव भी कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे और इसको लिखेंगे सेव एज, और सेव एज में जाने के बाद जहाँ पर भी मुझे सेव करना है, अभी मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और इसका नाम जो भी मैं देना चाहूँ, अभी मैं दूंगा टर्निंग वन, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। और सेव करने के बाद इसको जब मैं देखूंगा तो टर्निंग वन के नाम से ये जॉब मेरा यहाँ पर सेव है। जब मैं इसको खोलूंगा तो यह मुझे जॉब का तो मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि एक प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं फीचर कैम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल PLC टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको ये रेड वाला स्विच दबाकर सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आपको मिल जाए सब इंटीमेशन सबसे पहले और आप जुड़े रहें हमारे साथ PLC टेक के थ्रू। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, या आप हमें किसी वीडियो के बारे में सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको किस तरह की वीडियो आगे चाहिए, क्योंकि अभी मैं फीचर कैम की कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम पार्टिंग सीखेंगे, ग्रोविंग सीखेंगे और बोरिंग भी सीखेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे पावर मिल की वीडियोस 3D जॉब पर, और प्रोफाइल क्रिएट करके उस पर भी प्रोग्राम बनाना। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।